हमारे बीच में एक पेशेंट है जय जय कुमार जय सिन्हा, इनको पैरालिसिस का जो है वो अटैक आया था सितंबर में आया था। जब ये हमारे पास एक महीना पहले आए, पहले तो ये कहाँ से इलाज करवाई आई वी वाई हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे, वहाँ से सुधार नहीं आ रहा था, थोड़े पुराने हो गए थे, लेकिन अभी एक महीना हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है और एक महीने में जो इनकी बाजू से ऐसे लगी हुई थी बिल्कुल हाथ पे, बिल्कुल चेस्ट के साथ खुलती नहीं थी, अभी ये आपको बताएंगे कि कैसे इनमें इम्प्रूवमेंट आई। अब बताइए जय जी, बताइए कहाँ रहते हैं आप? मोहाली में। मोहाली कौन सी उसमें? सेक्टर 124 ग्लोबल सिटी में रहते हैं। और आपको कब आया था स्ट्रोक? स्ट्रोक आया था 10 सितंबर को, बट मैंने आया था आपके पास में 1.5 महीने पहले, और काफ़ी पहले तो अप्रोच किया था, पर आपके अवेलेबिलिटी चंडीगढ़ जयपुर में थी नहीं, तो उसके कारण मैं इतनी जलंधर जा नहीं पाया, फिर यहाँ पे जब आपकी खुली तो मैं यहाँ पे आया। तो 1.5 महीना पहले ट्रीटमेंट शुरू किया? तो 1.5 महीना पहले इन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, भी जो दवा बताया इन्होंने वो दवा भी खाया। जी क्या सुधार क्या है आपको? सुधार ये आया कि मूवमेंट तो आ गई है, मूवमेंट आ गई है। मतलब पहले बिल्कुल हाथ भी सीधे नहीं होते थे, हाथ में जकड़न रहता था, वो जकड़न भी कम हो गया है, अब वो सीधा सीधा हो रहा है, मतलब इतने तो मूवमेंट अब हो गए हैं, पहले ये नहीं थी। हाँ, अब मतलब अगर सही आप पूछे, आपने बोला कि जैसा कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है, मैं समझ रहा हूँ कि जो हम एक्सरसाइज आज के डेट में कर रहे हैं, मेरी गाड़ी ड्राइविंग डेली 100-150 किलोमीटर है डेली, अभी भी मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ। वेरी गुड। तो 60 किलोमीटर है, तो आपकी एल्बो नहीं खुल रही थी पहले, अब आपके एल्बो खोल के दिखाना कितनी खुल रही है। पहले गाड़ी चला लेते थे 1.5 महीना पहले? नहीं, 1.5 महीना पहले नहीं चलाते थे, मैं गाड़ी चलाना शुरू किया हूँ 7 फरवरी से। ठीक है, जब आपके पास आने के 15-20 दिन पहले गाड़ी अपनी गाड़ी से ही आया था, और अभी भी मैं अपनी गाड़ी, मेरी डेली की ड्राइविंग है 150 किलोमीटर। मतलब अभी मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं इससे कम, इससे ज़्यादा भी कोई एक्सरसाइज होता होगा ये तो मेरे को। मैं बताता हूँ, क्योंकि गियर लगाना है, गियर ये करना है, सेफ्टी करना है, ये सेफ्टी करना है, तो ये तो पहले से 1.5 महीने में जो मूवमेंट आई है वो पहले से ज़्यादा आई है, मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, पहले मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं उससे एक आइडिया बनाता हूँ कि पहले मैं गियर को पकड़ नहीं पाता था, पहले इस तरफ मोड़ करके ऐसे करता था, अब क्या है कि मतलब लगते हैं ना, मतलब गर्मी लगती है, गर्मी लगती है, एसी बंद कर देता हूँ, तो फिर ये हाथ खुल जाती है, पूरे उंगली खुल करके इसमें ग्रिप आ जाता है, फिर उसको गियर भी लगा। मतलब पहले ग्रिप नहीं था, ग्रिप आ गया। हाँ, ग्रिप भी आया, ग्रिप आ गया और मूवमेंट बढ़ गई है। हाँ, मूवमेंट बढ़ गई है, मतलब ठंड लगता है, एसी चलाते हैं घर में भी, पर ये जब चलाते हैं ना तो मेरे को जकड़न सा लगता है, और जब ऐसे धूप में भी चले जाएंगे तो मेरे को तो लगता है नॉर्मल है ये, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। मई जून में महीने में सब बोल रहे हैं कि गर्मी लग रही है, अब मेरे को तो लग रहा है कि नॉर्मल है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, और आगे किसी को भी स्ट्रोक आए, आप तो अभी 3-4 महीने बाद आए हमारे पास, अगर किसी को भी स्ट्रोक आए तो एकदम से बताएं, ताकि जो काम 6 महीने में होना है वो 6 दिन में हो सके, तो टाइम की बहुत वैल्यू है। वीडियो बनाने का मकसद होता है लोगों को जागरूक करना, लोग अपना समय ना खराब करें, ये वीडियो बना लो। सर, ये पता नहीं आप क्यों बोल रहे हैं, अभी जानने वाले हैं, मेरे ही जो कंपनी में काम करते थे उनको तो 4 आदमी को देख लिया मैंने कि मेरे आगे पीछे 3 महीने के अंदर हो गए 4 आदमी ऐसे ऐसे, एक ने तो जेपी हॉस्पिटल नोएडा में शिफ्ट हो गए, एक बेंगलोर चले गए, एक हम यहाँ रह गए, एक गुड़गांव में चला गया, ऐसे बहुत है। मतलब क्यों हो रहा है, मतलब किसी को नहीं मालूम, बट फ्रीक्वेंटली हो रहा है। देखो, पहले भी होता था, या पहले हम लोग को शायद मालूम नहीं हो, बट पहले जो लगता है ऐसा कि मतलब पहले इतने फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे थे जो अभी हो रहे हैं। कारण है, देखो, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, लोगों को जागरूक करिए, किसी को भी हो तो टाइम पे बताइए, ताकि उनका जीवन बच सके, वो अपंगता से बच सके। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।